गेम्स है और कुछ बच्चों के लिए राइड्स वगैरह भी है। मैं आपको अंदर जाके पूरा दिखाता हूँ वेना लेक का कुछ यहाँ पे जो स्पेशलिटी मेनली कॉर्न से था। जिसने बाद में कॉर्न पकौड़ा और चाय मंगाया था कौन था वो? मैं यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो उन्होंने चेयर्स लगा दी है एंड देयर इज अ प्लेस फॉर बॉनफायर। इज द एंट्रेंस ऑफ प्रतापगढ़ किला। महाबलेश्वर आते हैं 2-3 घंटे का टाइम निकाल के आइए, बट इट्स वर्थ विजिटिंग। तो गाइस यहाँ से जो है वाटरफॉल का रास्ता है। यहाँ फॉसिल पार्क है, कई तरह के फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। कैक्टस रियलाइटिस विच मीन्स बहुत सारे टाइप के कैक्टस अवेलेबल है यहाँ पे देखने के लिए, और सी शेल्स कलेक्शन, बहुत सारे सी शेल्स भी है। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी वन बाय वन। ये कुछ प्लांट्स है ये एंट्री के यहाँ पे, एंड यू कैन सी दीज आर सम ऑफ दी प्लांट्स यहाँ पे। ये रेड कलर के प्लांट्स, आई डोंट नो द नेम, बट दिस इज द कम्प्लीट पार्क, अ लिटिल पार्क। एंड यहाँ पे बीच में देख सकते हैं बहुत अलग अलग टाइप के कैक्टसेस है। मैं एक एक करके दिखाता हूँ कौन कौन से टाइप के कैक्टस है, बट ये जो लेफ्ट साइड में आपको पूरा विंडो दिख रहा है जो ग्लास का बना हुआ है, इसमें पूरे सी शेल्स और फॉसिल्स रखे हुए हैं। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। हमारा जो स्टे था वो एक दिन का ही था एंड हमने बहुत इंजॉय किया, वी एंजॉयड अलॉट, हमें बहुत मजा आया। सो गाइज जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको विराट कोहली से मिलवाऊंगा। क्या बोला तूने? उन्होंने यहाँ पे वन नाइट स्टे किया था बिकॉज उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। अभी वो वापस यहाँ से निकलने वाले हैं। सो मेरे साथ अभी जो है विराट, उनका ज्यादा टाइम नहीं है, सो जस्ट क्विकली एक दो लाइन बोलेंगे वो। इस साला कप नाम दे भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सो गाइस यहाँ पे हम आए हैं ट्रायल लक में। बड़ा वाला टेडी बेयर मिलेगा या 1200 रुपए, और सेकेंड शॉट में 300 रुपए मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। सो तरुण इज ट्राइंग। ओके, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे कुछ गेम्स है गाइस, वेना लेक के आसपास जहाँ पे हम खाने के लिए भी रुके थे, यहाँ पे हमने कुछ गेम्स खेले, बहुत बुरी तरह हारे हम। कुछ फायदा नहीं हुआ खेल के। अभी हम महाबलेश्वर मार्केट में आए हैं। यहाँ पे शॉपिंग की जो लाइंस है, जो भी शॉप्स है, वो सब देखेंगे हम अभी। कुछ अगर पसंद आएगा तो खरीदते हैं, और आपको भी शॉप्स दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या वैरायटीज़ अवेलेबल है। सो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे टैक्सी एसोसिएशन का एक यू नो टूर का ये है, पॉइंट्स वगैरह है और उसके प्राइस लिखे हुए हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। मल्टीपल टूर्स ऑप्शन है यहाँ पे अलॉन्ग विद द रेट। तो गाइज अभी हम ये शूज़ की शॉप में आए हैं। यहाँ पे अभी ये लोग जूती चप्पल कुछ तो खरीद रहे हैं। हम यहाँ जो लड़के हैं वो बस वाह वाह ही कर रहे हैं। बस ये देखो इनकी शक्लें देखो, और क्या करे समझ नहीं आ रहा है। ये देखो ये तो अंदर ही नहीं आ रहा है, इतना थक गया है ये।
सो गाइस अभी हम लोग महाबलेश्वर मार्केट में जो मेन चौक है यहाँ पे हम लोग आए हैं गोला खाने के लिए। यहाँ का बहुत फेमस है जो मलाई गोला है, हम वो ट्राई करेंगे। यहाँ पे जो आई थिंक पूनम प्योर वेज है उसके सामने ही ये गोले वाले भैया है। ये चॉकलेट, अच्छा चॉकलेट मलाई बना रहे हैं। हाँ चॉकलेट बना। अच्छा ये उन्होंने चॉकलेट सिरप डाला है इसके ऊपर एंड उसके बाद जो मिल्क मेड आता है अमूल का वो इसके अंदर डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिल्क मेड डालते हैं। एक अभी हम जो है वो ब्लूबेरी गोला ले रहे हैं, मेरा एक फ्रेंड है उसने मुझे सजेस्ट किया था यहाँ पे ब्लूबेरी मलाई गोला ट्राई करने का, सो अभी हम वो ट्राई करेंगे। ये क्या है, ब्लूबेरी सिरप है? ये ब्लूबेरी सिरप है। अच्छा गाड़ी का नाम है नेचुरल लाइफ गुलाम महाबलेश्वर। सो ये ब्लूबेरी मलाई गुलाम ट्राई कर, बहुत ज्यादा मलाई डाले इसमें। हां और तीन जस्ट मी व्हाट इज इट। तो सुरेश कैसा है बटरस्कॉच वाला? ऑसम, बेस्ट ना? बहुत बेस्ट बेस्ट। ये शॉप का नाम है नेचुरल आइस गोला जो है एग्जैक्टली द शेरे पंजाब रेस्टोरेंट के सामने। तो इफ यू गाइस वांट टू हैव इट प्लीज प्लीज ट्राई दिस मलाई गोला, यू नेवर रिग्रेट इट। गाइस हम लोग वेना लेक में वापस आए हैं। अभी हम आए हैं वेना लेक, यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे अभी सनसेट होने जा रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक व्यू है और अभी हम भी यहाँ पे बोटिंग करने वाले हैं। तो जहाँ आप वेना लेक से एंटर करते हो राइट साइड में आपको एक टिकट काउंटर दिखाई देगा, उस टिकट काउंटर से आपको टिकट कलेक्ट करने हैं और आप यहाँ पे बोटिंग के लिए जा सकते हो। यहाँ पे शशि और स्नेहल थोड़ा सा बोटिंग के बारे में हमें कुछ जानकारी देना चाहती है, वो बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। और शशि बोलिए। हम यहाँ पे वेना लेक पे आए हैं पादले बोट की सवारी करने। और स्नेहल आपकी तरफ से कुछ विशेष टिप्पणी? रोइंग बोट भी है जिसमें बहुत रोना है। हाँ। रोना है। हाँ। और फिर इसके बाद हम जाएंगे मैप्रो गार्डन प्यारी प्यारी फिंगर चिप्स खाने। दो तरह की बोटिंग होती है, एक जो है वो रोइंग होती है और एक दूसरी जो पैडल बोट है। तो रोइंग बोट के लिए आपको हाफ एन आवर के लिए 400 रुपीज़ देना पड़ता है चार लोगों का और 1 आवर के लिए 600 रुपीज़ है। बट पैडल बोट जो है वो आपको 1 आवर के लिए लेना ही पड़ता है जिसके लिए 600 रुपीज़ है और उसका कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है। सो हमने पैडल बोट लिया फॉर 8 पीपल, तो हमने फिर डिपॉजिट 2000 रुपीज़ पे किया है। यहाँ से लाइफ जैकेट लेना है आपको पीछे से एंड लाइफ जैकेट लेने के बाद आप बोट में जा सकते हो। दोपहर के टाइम पे गाइस बहुत गर्मी रहती है यहाँ पे, सो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो आप शाम के टाइम पे आइए ताकि आपको गर्मी का भी कोई प्रॉब्लम ना हो और यहाँ पे जो व्यू है वो सनसेट का वो भी आपको देखने को मिल जाए। ब्यूटीफुल जो लेक है इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा, गर्मी भी नहीं लगेगी आपको। वही सूरज के पास जाना है हमें, ये हमारे कॉम्पिटिटर है। कल रात को हमने इन्हें दमशराज में हराया था, यही वो टीम है। भाई कैसा लगा शिवम, तेरा तो फर्स्ट टाइम है महाबलेश्वर में और ये तूने पहले वेना लेक में की है बोटिंग? हाँ मैंने की हुई है, बहुत पहले की है। अच्छा बट शिवम का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एंड आई थिंक भूमि भी फर्स्ट टाइम ही आई है महाबलेश्वर और ये इस पॉइंट पे फर्स्ट टाइम इन लोग को बोटिंग नसीब हुई है। मतलब मैं 3 बार आके जा चुका हूँ भाई, मुझे नहीं मिली है बोटिंग, चांस ही नहीं मिला था, बट फाइनली अभी मिला है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ फिर कैसा लगा शिवम फर्स्ट टाइम आके? बहुत बेहतरीन सनसेट
वॉज प्रीटी अमेजिंग. यहाँ की जो हवा है इतनी ठंडी है, स्पेशली शाम के टाइम इट फील्स डिफरेंट, इट हिट्स डिफरेंट. कैसा रहा सुरेश? बहुत टाइम बाद, कितने साल बाद आया हूँ? ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद आया हूँ मैं, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, यहाँ की हवा ही अलग है. गाइज यहाँ बीचों बीच बोट पे यहाँ पे ड्राइवर चेंज हो रहे थे, बहुत ही अमेजिंग. कैसा लग रहा है विराज और नेहा तुमको? तुम्हारा आई गेस विराज का फर्स्ट एक्सपीरियंस है और नेहा पहले महाबलेश्वर आई है, बट बोटिंग की है क्या नेहा तुमने? ओके, कैसा लग रहा है विराज तुमको? बट हाउ इज द व्यू? एंड ये जो दो दिन हमने स्पेंड किए हैं गाइज, हम लोगों ने सबने साथ में किए एंड इट वॉज आर फर्स्ट ट्रिप जो हम एज अ ग्रुप कर रहे हैं एंड मेनी मोर आर ऑन द वे. So guys, that's it for Mahabaleshwar vlog. And हमने बहुत ही मज़ा किया यहाँ पे दो दिन जो हमने स्टे किया था. इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने प्रोवाइड की है वीडियो में. अगर आप नए हैं चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल. एंड ये जो लोग हैं आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिखने वाले हैं इस चैनल पे, बिकॉज हम लोग बहुत सी ट्रिप्स प्लान करने वाले हैं. सो गाइज डू सब्सक्राइब टू आर चैनल, डू लाइक द वीडियो. क्लिक हो जाना चाहिए.